हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे पेंजी के कलेक्शन दिखाऊंगी आपको मैं, और इसकी केयर के बारे में बात करूंगी। पेंजी केयर पे मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, पर आज आपको पेंजी कलेक्शन अपना दिखाती हूँ और साथ साथ थोड़ी सी केयर भी बता देती हूँ इसकी। तो ये देखिए कितने पेंजी जो फ्लावर्स हैं, ये ऐसे लगते हैं जैसे ह्यूमन फेस या बटरफ्लाई जैसे फ्लावर्स होते हैं ये। किसी को ब्लड बटरफ्लाई जैसे लगते हैं, किसी को ह्यूमन फेस इसलिए कहते हैं कि जैसे बाकी फ्लावर्स तो यूं ऊपर की तरफ यूं खिलते हैं, पेंजी यूं ऐसे फेस जैसे इस तरह से हमें दिखाई देते हैं, है ना। तो ऐसा लगता है जैसे हमें देख रहे हो, इसलिए इनको ऐसे कहा जाता है। और बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, बहुत वास्ट वेराइटी आती है इनकी, इतने अच्छे अच्छे रंग आते हैं इनमें, इतनी वेराइटी ऑफ कलर्स और शेड देखिए नेचर ने कितना खूबसूरत इनको करा हुआ है। हर जो फूल है उसकी अलग उसमें वेरिएशन है, अलग डिज़ाइन है देखिए, और बहुत खूबसूरत प्लांट्स हैं लगाने के लिए। स्पेशली अगर आपके यहाँ बहुत कम धूप आती है, सुबह सुबह की एक आधे घंटे की धूप आती है या फिर बहुत उससे भी कम आती है और ब्राइट लाइट रहती है, तो हल्की सी ठंडक रहे, तो उस जगह पे लगाने के लिए ये बेस्ट फ्लावर्स हैं। अगर आप हैंगिंग बास्केट भी थोड़ी कम ऊंचाई पे, हैंगिंग बास्केट कम ऊंचाई वाली लगाना चाहते हैं अगर आप, तो उनमें भी ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इनमें क्या होता है, देखिए आप जैसे देख रहे हो कितने अलग अलग शेड हैं मेरे पास भी इसके। ये देखिए ये अलग तरह का शेड है, ये वाले थोड़े से शायद लाइट हैं या पुराने फ्लावर हो गए हैं इसलिए ऐसे। और ये वाला देखिए ये बिल्कुल ही एकदम डार्क और बहुत खूबसूरत, वो दो ऊपर और नीचे ये ऐसे हैं। ये मैंने 9-9 इंच के गमलों में एक पौधा लगाया हुआ है, और जैसे आपने अभी पिंक और पर्पल देखा उसी का लाइट है, ये येल्लो और सॉरी पर्पल देखा है उसका ये लाइट शेड है उसी का ही। इसको हम फेडेड नहीं कह सकते क्योंकि बिल्कुल छाया में रखा हुआ है, और ये खिलता हुआ फूल भी, फूल जो नया खिलता है वो ऐसा ही है। तो फिर मैं कह रही थी कि इनको ऐसी जगह रखें जहाँ सुबह सुबह एक आधा घंटे की धूप पड़ जाए और बाकी सारा टाइम इन पर छाया रहे। ठंडक पसंद करते हैं ये, इवन आप जो थोड़ा बहुत फ्रॉस्ट आपके यहाँ होता है तो भी ये चल जाते हैं, ज़्यादा ठंड में ये चल जाते हैं। बस कोई बहुत ही ज़्यादा कोई बर्फ़ पड़ने लगे या ज़्यादा ही फ्रॉस्ट हो तो इनको क्या है, गमलों में ज़मीन की बजाय इनको गमलों में लगाना, ज़मीन में भी लगा सकते हैं आप इसको, कोई छाया वाली क्यारी है जिसमें थोड़ी सी धूप आती है वहाँ लगा सकते हैं, बेड कवर बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन फिर जैसे मैंने आपको कहा इनका फूल जो है ऐसे देखता हुआ होता है, बेड कवर मतलब वो वाला बेड, अपने बेड वाला नहीं, मैं फ्लावर बेड कवर मतलब ग्राउंड कवर जिसको कह सकते हैं, मतलब एक इसकी क्यारी लगा सकते हैं जो मैं कहती हूँ। लेकिन फिर क्यारी में ये है कि ये ऐसे सामने से दिखते हैं, तो क्यारी नीचे होती है तो ये आपको यूँ इनका फेस नहीं दिखेगा फ्लावर्स का, इसलिए ये कंटेनर्स में लगाने अच्छे रहते हैं। एक कंटेनर्स में लगाने का इनका देखिए, लियो को देखो पहले आप कैसे घुस के अंदर बैठा हुआ है, ये देखिए स्टैंड के नीचे चढ़ के अंदर घुस के देखिए बैठा हुआ है, इसकी ये बदमाशी है सारा टाइम। ये देख इसकी एक वो क्या है कि जो मेरे स्टेक्स होते हैं ना, ये देखिए ये स्टेक अंदर घुसा हुआ था उसको निकाल रहा है अंदर से, खाता है ये इन स्टेक्स को, देखिए ये देखिए लेके आ रहा है उस स्टेक को बाहर, ये देखिए बदमाशी, इसकी बदमाशी, ये देखिए अंदर से जाके लेके आया है इसको, ये इसको खा रहा है देखिए सुबह से इसको। तो फिर मैं क्या बोल रही थी कि हाँ, कंटेनर्स में लगाने से इनमें एक फायदा और रहता है कि इनको आप जगह बदल सकते हैं, इनकी थोड़ी सी ऐसी हाइट पे रखें कि फ्लावर्स का फेस दिखे हमें, और ज़्यादा बहुत फ्रॉस्ट होने लग जाए तो थोड़ी सी कवर्ड एरिया में रख दें, या बहुत ज़्यादा धूप हो रही है तो इसको थोड़ी सी छाया वाली जगह में शिफ्ट कर दें, ये फायदे रहते हैं इनको कंटेनर में लगाने के। अच्छा एक चीज़ और है, इनको जब आप किसी फ्लावर बेड में या बड़े गमले में लगाते हैं, तो जैसे छोटे गमले में मैंने लगाया हुआ है तो एक पौधा इसमें, ये देखिए इसमें से मैं वो निकाल रही हूँ, ये खरपतवार हो गई थी, तो
जैसे बड़े गमले में आप लगाते हैं या छोटे में भी लगाते हैं, तो एक साथ एक से लगाए ना तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। जैसे आप देखिए येलो और पर्पल वाले मैंने लगाए हुए हैं, ये तीन गमले एक साथ लगाए हुए हैं, तो वो एक साथ इतने सारे फ्लावर निकलते हुए अच्छे लगते हैं। या इनको गोल राउंड झुंड में लगा दें इन गमलों को, तो भी ये एक साथ एक से अच्छे लगते हैं। हाँ, अगर आपको मिक्स पसंद है तो आप एक बड़ा गमला लें, जैसे कोई कुंडा वगैरह लें, उसमें मिक्स भी लगा सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक से देखिए देखिए जैसे देखिए उसमें क्या है, नंबर ऑफ फ्लावर्स, जैसे येल्लो दिख रहे हैं आपको, ये वाले दिख रहे हैं, तो इनमें ऐसा लगता है नंबर ऑफ फ्लावर्स फिर ज़्यादा लगते हैं एक साथ लगाए हुए हो। और फिर इसकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बीज से अगर आप इसको लगाते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं ग्रो करने में, स्लो ग्रोथ होती है इनकी और ये ज़्यादा टाइम लेते हैं। और अगर नर्सरी से ला के इनकी थोड़ा सा बड़ा पौधा ही लगाएं तो अच्छा रहता है, फिर वो जल्दी फैलता है और आपको अच्छे फ्लावर्स देता है। ऐसा नहीं है बीज से नहीं लगेगा, इंडोर में आपको बीज लगाने पड़ेंगे, थोड़े स्लो ग्रोथ होगी। फिर मेरे हिसाब से पौधा ले आए, क्योंकि ये ग्रीन हाउसेस में उगाए हुए होते हैं, तो ये आपको ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और फिर जैसे मैंने कहा, इनको छाया मिलनी चाहिए, नहीं तो ये फ्लावरिंग भी नहीं करेंगे और ग्रो भी नहीं होते अच्छे। अच्छा, इनको पानी जो है अच्छा चाहिए, इनकी मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए, सूखनी नहीं चाहिए मिट्टी। ओवर वाटरिंग तो किसी भी पौधे के लिए अच्छी नहीं है, तो ओवर वाटरिंग तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि मिट्टी एकदम सौगी हो रही है, ये नहीं है। लेकिन मिट्टी देखिए, जैसे मेरे इस पौधे की सबके दिखाऊँ आपको, ऐसी रहनी चाहिए मिट्टी, देखिए मॉइस्ट है मिट्टी। अगर इसकी मिट्टी को आप दो वाटरिंग के बीच में सोचें कि सूख जाए फिर पानी दें, तो फिर आपका पौधा फूल कम देगा, उसमें फ्लावर्स कम आएंगे, कम फ्लावरिंग होगी उसमें, क्योंकि इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहे तो ही ये फ्लावरिंग करता है। अगर मिट्टी सूखेगी बीच में तो फ्लावरिंग कम हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है, अगर आप पानी कम दे रहे हैं अपने पौधे को, तो वो आपका पौधा फ्लावरिंग ही कम करे। और इसको कोई भी नाइट्रोजन वाली खाद कम दें आप, जैसे NPK 19:19:19 आप सोचें दे दें, या खाली गोबर खाद का पानी दे दें, या गोबर, तो वो इसके लिए सही नहीं है। इसके फिर पत्तियां ही पत्तियां निकलती जाएंगी और फ्लावर नहीं आएंगे। तो फ्लावर आने के लिए जब इसका पॉटिंग मिक्स तैयार करें, तो उसमें एक चम्मच DAP डाल दें और एक चम्मच पोटाश का भी डाल दें, इसका जो पॉटिंग मिक्स ही तैयार करें उसमें। और उसके बाद हर 10 दिन में एक बार इसको या तो सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दें, गोबर खाद और सरसों खली दोनों इक्वल क्वांटिटी में ले लें, और दो चार मुट्ठियाँ पानी में भिगो दें एक दो दिन के लिए, उसका पानी दें इसको, और डाइल्यूट ही और भी डाइल्यूट कर लें उस पानी को, तो और भी अच्छा है। बाल्टी 10 लीटर की हो तो अच्छा है, 2-3 मुट्ठी मतलब मुट्ठी आप ले लें, 4-5, मैं ऐसे दोनों हाथ मिला के जो अपन होता है ना उसको कह रही हूँ, 2-3 ले लें ऐसे, देखिए मैं दिखाती हूँ, ये वाला दोनों को मिक्स कर लें, गोबर खाद और खली को ऐसे जो है वो 2-3-4 डाल लें, भिगो दें, फिर उसका पानी दें। अगर चाहें तो उस पानी को थोड़ा सा और पानी मिला के डाइल्यूट कर लें, 1-1.5 बाल्टी कर लें, तो वो 10 दिन में एक बार इसको देते रहें। फॉस्फोरस रिच खाद मिलेगी, माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलेंगे, सरसों खली में सब कुछ होता है, तो आपका पौधा अच्छी फ्लावरिंग करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, खूबसूरत पौधा तो है ही, एडिबल भी होता है, तो ऐसे बच्चों के लिए और उसके लिए कोई नुकसानदायक नहीं होता है। और इसको तो सैलड्स में और स्वीट्स में डाल के खाया भी जाता है, इंडिया में तो नहीं खाया जाता, लेकिन मेरे कहने से आप मत खाने लग जाना, और पर मैं को जो पता है वो बता रही हूँ आपको मैं। और बस कितने खूबसूरत हैं, इनको आप ज़रूर ऐड करिए अपने गार्डन में। मेरे पास जो पेंजी इस साल है, इस बार मैं थोड़े पेंजी के प्लांट्स कम लाई हूँ, लास्ट ईयर बहुत प्लांट्स लाई थी मैं, तो जगह के अकॉर्डिंग इस बार मैं। और फ्लावर्स देखिए आपको अच्छे दिख रहे हैं, अभी देखिए इन जगहों पर, यहाँ ये जो नई ब्रांचेस ये निकल रही हैं, इनमें भी फ्लावरिंग होगी, ये देखिए। और
सही जगह पे रखेंगे तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। प्लांट्स के लिए मेन चीज होती है कि उसको आप सही ग्रोइंग कंडीशंस दीजिए। आप लेके कैसा भी आए, कई लोग कहते हैं ना आप पौध नहीं लाते हो आप प्लांट लाते हो, बात ये होती है कि आप उसको कैसी ग्रोइंग कंडीशंस देते हो, कैसी केयर करते हो, कितना ग्रो करता है आपका प्लांट, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने पौध से लगाया या बड़ा पौधा, बड़ा पौधा इसलिए ले आती हूँ मैं ताकि आपको टाइम से गार्डन ओवरव्यू मिल जाए। हमारे यहाँ राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो यहाँ जब मैं बीज लगाऊंगी तो वो उनमें निकल वो छोटे छोटे उनमें ग्रोथ कम होगी, जो बीज से निकलेंगे छोटे छोटे पौधे कब बड़े होंगे, कब उनमें फ्लावर आएंगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, आप किस एरिया में रहते हो उसके अकॉर्डिंग, तो उसके हिसाब से अपने को चलना पड़ता है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।